Moving on to the third part from the chapter light, we will discuss types of reflection. Till now we have discussed what is light, right? Characteristics of light, luminous or non-luminous objects. Then we discussed what is reflection, few terms that are related with reflection. What is incident ray, what is reflected ray, what is normal ray, what is angle of incidence or angle of reflection, and laws of reflection. So in this video we will discuss the types of reflection. So basically reflection is of two types, regular reflection and diffuse reflection. Now what is the difference between these two kind of reflections? First of all, regular reflection happens when the surface on which the light ray strikes is polished and smooth. कि जब ये जो सरफेस जिस पर लाइट आकर के टकराने वाली है, अगर ये पॉलिश्ड है और अगर ये स्मूथ सरफेस है तो इस पर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है? मान लीजिए एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, यहां पर इंसिडेंट, अलग अलग लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इस पॉइंट पर हो रही है, ये इस पॉइंट पर हो रही है और इस पॉइंट पर, और ये स्ट्राइक करने के बाद क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वापस उसी मीडियम में जा रही है, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तीनों का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तीनों ही लाइट रेज का जो कि पैरेलल है, जो कि मिलकर के बीम बना रही है लाइट का, उसमें अगर ज़्यादा वेरिएशन यानी कि ज़्यादा चेंज नहीं है, मतलब कहने का एक पैरेलल बीम आया, स्ट्राइक किया और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो गया, तो ऐसा रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. और इस तरीके के रिफ्लेक्शन में जो इमेज है वो क्लियर बनती है, राइट. सेकेंड टाइप का रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब होता है जब मेरा जो सरफेस जिस पर कि लाइट आकर के स्ट्राइक करेगी वो स्मूथ ना होकर के रफ हो जाए, जैसे कि रफ वुडन ब्लॉक हो जाए कोई, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर ना होकर के डिफ्यूज हो जाएगा, या यूं कहें कि इररेगुलर हो जाएगा. इसमें क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो स्ट्राइक करेगा लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होंगी. देखिए इनके अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है सबका, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. और इस प्रकार के रिफ्लेक्शन के अंदर जो इमेज बनेगी वो बनेगी ब्लर इमेज, धुंधली इमेज बनेगी, ठीक है. तो ये दो टाइप थे रिफ्लेक्शन के. इसके अलावा तीसरे टाइप भी होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो वो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है. फिलहाल दो टाइप के रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हैं, रेगुलर और डिफ्यूज्ड. बात करते हैं फिर नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की. तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स और देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट जिनके अंदर से लाइट आसानी से और कंप्लीटली पास हो जाती है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम इजिली एंड कंप्लीटली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल एयर, राइट. नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पास पार्शली, कंप्लीटली नहीं होता है पर पार्शली लाइट पास हो सकती है, एग्जाम्पल वैक्स पेपर, ऑयल पेपर. थर्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से लाइट पास होती ही नहीं है, ठीक है, वुडन ब्लॉक हो गया, राइट, मार्कर में से अगर करना चाहूँगा तो भी नहीं होगा, ठीक है. तो ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ कि ये लाइट को अपन अंदर से पास होने देंगे या नहीं होने देंगे. तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.